बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज सिंह हाय 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 हाय। और इतनी बार बोलते कोई ना कोई दीदी आई थी, लोग होते हैं लगभग 6 महीने से राइट टाउन स्टेडियम में काम चल रहा है। तो पूरी पब्लिक जो राइट टाउन नेपियर टाउन की है, NMT जिसको हम वॉकिंग प्लाजा बोलते हैं, जो नगर निगम द्वारा बनाया गया, वहाँ पर पैदल चलती परिवार समेत बड़ा अच्छा माहौल रहता था। परंतु 6-7 महीनों से ऐसी स्थिति हो गई है कि खुला हुआ अहाता बन गया है। यहाँ पुलिस का संरक्षण जो है इस तरह से, यहाँ पर रात को जो गुमटियाँ ऑपरेट करती हैं, जो लेट नाइट चलती हैं, और शराबियों के संरक्षण इस हद तक बढ़ गया है कि खुले आम शराब स्मैक की घटना, यहाँ पीने की घटनाएं, बोतलें फेंकने पब्लिक के सामने, इतनी घटिया स्थिति बना दी है। संस्कारधानी का नाम डुबाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही थी, और इसी का एग्जाम्पल हमारे सामने कल आया। कल सवेरे हमारे क्षेत्र में जो श्रीवास्तव परिवार है, वहाँ पर शिवरतन श्रीवास्तव जी को जो जानलेवा हमला किया गया है, जो शराब पिए हुए थे लोग, 8 लोग थे, शराब पिए थे और साथ में स्मैक भी पी रहे थे। इस चरम पे यहाँ नशा बढ़ गया है कि लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, भय का माहौल अत्यधिक हो गया है। इसी के खिलाफ आज हम लोग युवा कांग्रेस में मदन में थाने को घेराव कर हमने ज्ञापन सौंपा है। चूंकि TI साहब नए आए हैं, इसीलिए उग्रता को हमने सीमित करते हुए यहाँ पर उनको इस बात को उनको बताया है कि आप अभी भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर शराबखोरी बंद नहीं करी गई और पुलिस की गश्त अगर बढ़ाई नहीं गई तो युवा कांग्रेस बाध्य होगी उग्र आंदोलन करने के लिए। गिरफ्तार इन लोग पुलिस द्वारा जो हमारी जो कंप्लेंट की गई थी, कंप्लेंट में 5 मुख्य आरोपी जो थे वो बताए गए थे उसमें फरियादी के द्वारा, मगर सिर्फ 2 की गिरफ्तारी की गई थी और पुलिस उन 2 को भी कल छोड़ रही थी कमज़ोर केस बना के। तो पुलिस का रवैया जो है पे हम लोग को संदेह था, इसीलिए हम लोग आज जो है पुलिस को चेतावनी भी देने आए थे। आपका नाम? समर्थ अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस। आपको बताना चाहेंगे, थाना मदन महल क्षेत्र के अंतर्गत स्थित NMT नाले में शाम के टाइम शरारती तत्वों की भीड़भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी संबंध में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिनमें अमरीश मिश्रा जी हैं, समर्थ अवस्थी और शिशिर ननहोरिया जी, इनके द्वारा अपने लोगों के साथ में आगे थाना मदन महल में ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, साथ ही साथ यहाँ पे शाम को पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। चूँकि मुझे भी अभी आए हुए यहाँ 2-3 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए थाना क्षेत्र देखने में, और इन लोगों के साथ मिलके थाना क्षेत्र में कहाँ कौन सी गलत गतिविधियाँ चल रही हैं वो हम चिन्हित करते हैं, और स्टाफ के साथ में हम पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे यहाँ पे, और इन लोगों के साथ में ही मिलके कदम से कदम बढ़ा के और एक मदन महल क्षेत्र में एक सार्थक पुलिस के प्रयास करेंगे, जिससे पुलिस की सभी में सुधार हो और इसमें प्रयास करते रहेंगे।